मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.4 का डिस्कशन कर लिया था। हमारी दो तीन आइडेंटिटी पीछे छूट गई थी जिनको हमने नहीं कराया था, तो वो उनका भी आज हम लोग टूट जानेंगे और विविध के एक दो क्वेश्चन करेंगे। विविध क्वेश्चन मतलब आप वो करने चाहिए पूरे पूरे, लेकिन हम 2000 एग्जाम्पल्स करा के आपको उसको एक प्रैक्टिस पे ले आएंगे। तो आप लोग घर पर करिए क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम उसके सोल्यूशन सेंड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो हम लोग कुछ एक आइडेंटिटी है जिनका हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक दो बच गई थी जिनका बीच में यूज नहीं हुआ था, तो अब लेकिन विविध में उनका यूज होगा, विविध में कभी उसके क्वेश्चन दिए हुए तो आइडेंटिटी हम बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको प्रूफ सही हम बताते हैं कि cos x plus y माइनस cos x माइनस y क्या होता है, cos x plus y माइनस cos x माइनस y इक्वल टू होता है 2 cos x into cos y। आप लोग वैसे आइडेंटिटी ना भी लग गए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश आप ये करिए आइडेंटिटी लग लीजिएगा। इससे क्या होता है क्वेश्चन करने में हमें क्या रहती है, आसानी रहती है। बाकी हम उसका प्रूफ बता देते हैं, अगर आपको ना भी लग करें तो काम चल जाएगा। आप ऐसे प्रूफ के तरीके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इसका प्रूफ, यहां से लेगा cos x plus y माइनस cos x माइनस y। यहां पे क्या हो जाएगा, cos x plus cos y क्या होता है, cos x into cos y माइनस sin x into sin y। ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही माइनस cos x into cos y प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्या होती है, कॉस एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहां से देखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अंदर इसका मल्टीप्लाई करो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो आप यहां से ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहां जो प्रॉपर्टी है क्या है, माइनस का टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहां पे क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। आप इसको सही कर दीजिएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। ये हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है माइनस का टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको हमने प्रूफ भी देख लिया क्या है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमने लगाया तो क्या आया, cos x cos y plus sin x sin y। हमने इसको देखा आप बार-बार माइनस मल्टीप्लाई करके आया cos x cos y minus sin x sin y। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है माइनस का ये प्लस का, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस के थे तो क्या आ गया माइनस का 2 sin x into sin y। आप इसको सही जरूर कर लीजिएगा, यहां पे क्या है sin x sin y है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, पहली आइडेंटिटी हो गई। ऐसी हमारी तीन आइडेंटिटीज है जिनका हम अभी प्रूव करते हैं, देखते जाते हैं उनके साथ में। अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप प्लस कर दो तो ये हो जाता है 2 cos x cos y के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाता है, 2 cos x cos y के इक्वल। तो आप देखिए कैसे होता है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं इसको भी। तो यहां से आप प्रूव कर दो cos x plus y plus cos x minus y, यहां पे आप क्या करो फॉर्मूला लगा दो, यहां पे cos x cos y minus sin x sin y। ऐसे आप यहां पे फॉर्मूला लगा दो क्या हो जाएगा, cos x cos y और यहां पे क्या हो जाएगा plus sin x
हमारे दोनों प्लस के, ये तो ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x * cos y - ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा 2 cos x cos y, तो हमारा cos x plus y minus cos x minus y का किसके होता है 2 cos x cos y के ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, आज की सेकंड आइडेंटिटी हो गई। इसी में एक आइडेंटिटी और होती है 2 sin x plus y plus sin x minus y, उसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, sin x plus y minus sin x minus y, दो बनती है sin x plus y sin x minus y, ऐसे ही sin x plus y minus sin x minus y, तो इन दोनों में से हम किसी एक को प्रूव कर देते हैं, एक आप लोग क्या करिएगा प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों आइडेंटिटी बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप इसको करा देते हैं, आप लोग इसको घर में प्रूव कर लीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं कि क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, sin x into cos y, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं sin x plus y की, plus cos x into sin y, प्लस यहाँ भी आइडेंटिटी लगा देते क्या हो जाएगा, sin x into cos y माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो आप यहां से देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो बार आएंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या है माइनस प्लस के, तो हमारी इसकी जो आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्या होती है टू साइन एक्स इंटू cos y, तो हमने इसका भी प्रूफ कर लिया। सिमिलरली आप इसका प्रूफ आप लोग घर में करने की कोशिश करिएगा, अगर ना है तो बताइएगा, क्योंकि इसका भी प्रूफ ऐसे ही होगा सेम, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई नहीं आता तो बताइएगा फिर क्वेश्चन हम लोग के लिए। इसके आगे विविध के कुछ क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो आप नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि cos 2x cos x by y cos 2x cos x by y minus sin cos 3x minus cos 3x into cos 9x by 2 equal to sin x sin 5x into sin 5x by 2, तो हमें इसको प्रूव करना है, तो हमने देखा है क्या है, cos 2x cos x by y cos 3x cos 9x by 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 26 हमारा विविध का, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखो आइडेंटिटी लिखा क्या होगा, कि हमें यहां पे क्या चाहिए, 2 cos x cos y हमें पता है आइडेंटिटी, यहां भी 2 cos x cos y पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से गुणा तथा भाग कर देना, क्या हो जाएगा 1/2, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x into cos x by y minus 2 cos 3x into cos 9x by 2। अब आपको पता है कि cos x का, अभी हमने देखा था कि 2 cos x cos y किसका फार्मूला होता है, तो हमने देखा था किसका निकल के आया था 2 cos x cos y, तो अभी हमने देखा था वो किसका आया था कि sin cos x plus y minus cos x minus y का, यहां से आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, cos x cos 2 cos x cos y, क्या हो जाता है cos x plus y plus cos x minus y, इस आइडेंटिटी को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे यहां से, तो हमें RHS मिल जाऊंगा वो मिल जाएगा, देखते हैं कोशिश करते हैं करने की, यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा cos
एक्स प्लस वाई एक्स टू एक्स है और वाई में क्या है एक्स बाई वाई है, समझ में आया cos के क्या है एक्स बाई वाई है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या है एक्स बाई टू है, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू हो जाएगा इंटू cos x माइनस वाई, यहाँ पे क्या होता है बस cos x माइनस वाई, ऐसे यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी लगाओ तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos प्लस cos x माइनस वाई। यहाँ पर क्या किया ये आइडेंटिटी लगा दी, तो आप तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिएगा ना, बताइएगा ये क्वेश्चन तो क्या है, कुछ करना ही नहीं, इजी हो गया एकदम, इसको बस आप एक बार थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर बताइएगा, आगे हम क्वेश्चन के बाद डिस्कशन करेंगे और जो चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे इस विविध के क्वेश्चन आपको करेंगे विविध, क्योंकि आपको ही करना पड़ेगा, पीछे जो मैंने सभी करा दी है, अगर ना क्वेश्चन आए तो फिर बताइएगा। ओके थैंक यू क्लास।